हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PVR स्टडी में। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हो, क्लास 9th की मैथ आप लोग पढ़ रहे थे जिसमें 6.1 के सारे सवाल हो चुके थे। लास्ट के सिर्फ 5 और 6 सवाल बचे हैं, और चूंकि 6.1 में सिर्फ 6 सवाल हैं टोटल, जिसमें लगभग 4 हो चुके हैं, पाँचवा छठवा बचा है। चलो पाँचवा सवाल है ये एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th में। कह रहा कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, तो कह रहा कि किरण OR और किरण PQ पर लंब है। एक बार फिर से देखो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ये आकृति 6.17 का मतलब, ये नीचे मैंने चित्र बनाया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी फिगर को देख करके अगर आप समझेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसमें कह रहा POQ एक रेखा है। अब देखो POQ कहाँ है, PO और Q ये एक रेखा है। ये आपको भी दिख रहा है कि रेखा है, सीधा सीधा है, एक रेखा है। इसके अलावा इसमें कुछ किरण है, कौन कौन सी हैं? देखो किरण OR और रेखा PQ पर लंब है। ये यार किरण OR इस पर लंब है। लंब का मतलब मैंने बताया था ना, जैसे अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को जाकर प्रतिच्छेदित करती हैं अगर, तो इस तरह से क्या होती हैं, लंब होती हैं। ये लंब है। अभी क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा किरणों OP और OR के बीच। OP कहाँ है, OP और OR के बीच में, यानी ये और ये, इसके बीच में कह रहा है कि एक अन्य किरण है जिसका नाम OS है। ये देखो दिख रहा OS है। ये तो अभी सवाल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो यहाँ पे कह रहा है वो इसमें है, इतना है ना। आगे फिर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, यानी आप प्रूव कीजिए अगर ये इतनी कंडीशन है तो क्या क्या सिद्ध करना है कि कोण ROS यानी ROS, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये कोण जो बीच में छोटा सा बना दिख रहा है, ये 1/2 और QOS, QOS माइनस POS, इतना हमें प्रूव करना है। POS मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है, QOS पहले, QOS फिर POS, यानी इन दोनों को घटाने के बाद क्या हो जाए, हाफ हो जाए उसका। चलिए इसमें जो कुछ दिया है पहले, हम उसी के आधार पे कुछ थोड़ा बहुत आगे करते हैं। हमें इसमें एक चीज़ दिया है बड़ा ही, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको दिख रहा है कि कोण POR बराबर 90 अंश है। कोण POR 90 अंश है भाई, ये सीधा सीधा देखो दिख रहा है 90 अंश है, इधर भी 90 इधर भी 90, चूँकि ये कितने का है, 180 का पूरा बना रहा है कोण ना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि POR 90 है और QOR भी 90 है। भाई इधर साइड भी देख लो, QOR ये भी 90 है और POR ये भी 90 है, दोनों 90-90 हैं। आगे देखो क्या कहता है, वो भी चीज़ ध्यान दो आप। अब इसमें अगला स्टेप देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो POR जो POR है, इसके बीच में एक और किरण है OS, वो आपको दिख रही है। लेकिन अगर हमें सीधा सीधा यहाँ पर POR लिखना है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई। देखो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, हम इसे लिख सकते हैं कोण POR इक्वल कोण POS प्लस ROS, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, POS प्लस कोण ROS, इसको लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बराबर कितना है, 90 अंश है, पहले से दिया था तो हम इसको 90 अंश लिख देंगे। इतना तो आप सभी को लगभग पूरा समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये भी ठीक है। फिलहाल अगर आप चाहते तो यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते थे, इसके जगह पे पूरा पूरा इसको लिख दे, मतलब चेंज करके, ये आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा चूँकि थोड़ा विस्तार से है। इतना हो गया, इतना करने के बाद आप इसमें से ROS का मान निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें जो फाइनल में वैल्यू लाना है उस पर नज़र होनी चाहिए, हमें लास्ट में ROF लाना है, बाकी और किसी को यहाँ पे नहीं लाना है, सब ख़त्म कर देना है। तो यहाँ से यानी ये इतना देखो, अब यहाँ से अगर हम ROF लिखेंगे, ROS तो सिंपल सा है, ये 90 उधर वैसे ही रहेगा, माइनस ये POS इसमें से घट जाएगा। क्या होगा ये POS घट जाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, समीकरण नंबर एक हो जाएगा। ये हो गया आपका, जो दो कोण 90 बन रहे थे उसमें से पहले के मतलब सहायता से हमने एक इक्वेशन बनाया। इसे आप नोट कर लीजिए, चूंकि यहाँ पे जगह कम है तो हम इसको मिटाएंगे। उसके बाद अगला जो उधर हाफ में 90 का कोण बन रहा है
उसको लेकर के हम एक नया इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, फिर हमारा जो सिद्ध करना वो आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, लेकिन देखने में थोड़ा सा ये कोण ओण थोड़ा कष्ट मतलब अजीब सा लगता है जिन लोगों ने शुरू से नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इनके पहले के सारे क्वेश्चन देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एंगल क्यू ओ आर क्या है? क्यू ओ आर यानी हम इस चित्र में चलते हैं क्यू ओ आर, ये लेते हैं पूरा पूरा। अब इसमें आपको क्या नज़र आएगा, क्यू ओ आर में आपको पता ये भी 90 है, मैंने इसको भी 90 लिख दिया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको पता है कि इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। दो पार्ट में कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, देखो क्यू ओ आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। अभी जो हमारा एक इक्वेशन आया था उसमें आपने क्या देखा था, अभी एक जो समीकरण आया था उसमें क्या देखा था आपने, क्यू ओ आर की जगह पे हम इसको दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हमें जोड़ के नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर तो है एक रेखा एक्स्ट्रा थे, इसमें एक किरण थी, लेकिन इधर शायद कोई किरण नहीं है। तो इधर अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं, आप ये ले लो QOS। अगर इसमें से आप घटाओगे ROS तो आपका ये आ जाएगा कौन सा, QOR। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कोण QOS माइनस कोण ROS इक्वल 90। ये हो गई कहानी आपकी सेम टू सेम जैसे पहले ही क्वेश्चन में हुई थी। यहाँ से भैया लोग आप क्या करोगे, ROS का मान निकाल लो। तो जब आप यहाँ से ROS निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है, ROS बराबर निकालोगे, ये माइनस में ही रहेगा तो ये इधर साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 और माइनस QOS। मैं एकदम डिटेल से आपको बता दे रहा हूँ, पूरा विस्तार से, इसमें कुछ भी मैं इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीपल कर दो, चूंकि शुरू में माइनस लगा है तो आपका फाइनल में हो जाएगा कोण ROS इक्वल हो जाएगा, ये भैया ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो जो प्लस होगा पहले लिखोगे और ये माइनस का 90 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर दो हो गया। समीकरण एक और दो को जोड़ दो, उत्तर आपके सामने हो जाएगा। नीचे एक लाइन और लिखो, समीकरण वन प्लस समीकरण टू। और एक बात और ध्यान देना, हाँ वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे, अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको इक्वेशन फर्स्ट दिख जाएगा स्क्रीन पे, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं कि हम दोनों समीकरण एक साथ दिखाएं आपको, तो इस वजह से मैंने दूसरा मिटा दिया है। इतना लिख लिया, चलिए अब समीकरण एक प्लस समीकरण दो करने के बाद में आगे देखते हैं, दोनों को जोड़ के दिखाते हैं आपको। अब देखिए दोनों इक्वेशन मैंने एक साथ लिख दिया है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ये चूँकि मैंने मिटा दिया था इसलिए मैं दोनों को ला के दिखाया हूँ आपको। कुछ बच्चे कहते हैं कि बहुत जल्दी मिटा देते हो, तो वीडियो को रोक लिया करो आप लोग और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कौन सा बटन मैंने बताया था ना, विंडो और जो F12 के दाहिनी साइड बटन होती है जिस पर PRTCSCR ऐसे कुछ होता है उसको दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ROS प्लस ROS, कोण ROS प्लस ROS इक्वल, इनको सीधा सीधा जोड़ लो जैसे भी है, 90 माइनस POS प्लस ये QOS और माइनस का 90 है तो इसको ऐसे लिख दो। देखो भैया अब बड़ा ही सिंपल सा है, ये 90 से 90 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 और एंगल ROS, भाई दो बार हो जाएगा क्योंकि दो बार एक समान कोण दिया गया है तो दो आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा आगे देखते जाओ, इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है माइनस का POS और प्लस का QOS, दोनों में कोण का चिन्ह लगा देना। आगे देखो चूंकि यहाँ पे माइनस बचा है तो हम माइनस वाला पद बाद में लिखते हैं, प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं ROS इक्वल कोण QOS माइनस कोण POS, ये हम लिख सकते हैं। आप सभी जानते हो इसमें कोई मैंने चेंजिंग नहीं किया है, सिर्फ कैलकुलेशन किया है जो कि आप जानते हो, नाइन्थ में पहुंच गए हो। अगर आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं आता कैसे आ गया तो आप शून्य से शिखर तक वाली मैथ देखिए जिसमें एकदम बेसिक से सिखाया जाता है। अभी हम नंबर दिखाएंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो इसको मैंने डिटेल में लिख लिया। अब यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल ROS निकालना है, तो देखो भैया अगर ये दो इधर ले जाओगे ना तो भाग में हो जाएगा, यानी कोण QOS माइनस कोण POS नीचे दो हो जाएगा, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। हम इसमें एक काम कर सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ROS इक्वल हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा
कोण क्यू ओ एस एंड कोण पी ओ एस। देखो आपका वही आ गया जो आपको सिद्ध करना था। अब नीचे लिख दो आप इति सिद्धम, या फिर हिंदी में आप लोग ऐसे लिख रहे हो ऐसे लिखो अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नीचे लिख देना अतः सिद्ध हुआ, यही तो सिद्ध करना था ना। तो कितना आसान है, आप इसे कर लोगे। हाँ, इसमें अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, जैसे कि रैखिक युग्म क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, रैखिक युग्म को इंग्लिश में लीनियर पेयर बोलते हैं आप जानते हो, तो और कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए ज्योमेट्री का, तब आप कर पाओगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपको फंडामेंटल इसमें जो भी चीज़ें बताई गई, अगर वो आपको आएगा तब आप कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने इस यहाँ पे दो कोण जोड़ करके तो तीसरा कोण लाया था, ये सब भी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कैसे होता है। जैसे मैंने बताया था एक लाइन है बड़ी सी, अगर उसको बीच में से दो पार्ट में तोड़ दें तो दोनों को एक में जोड़ेंगे तो फिर से वो लाइन बन जाएगी। तो ये सब एकदम छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, आप उनको देखिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो PBR स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। और हाँ, इस तरह के जैसे कि आपने देखा इसमें सिर्फ एक ही सवाल हल हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में आपको पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज मिल जाए, बड़े बड़े क्लास मिलें एक एक दो दो घंटे की, तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और हमारी प्रीमियम क्लास को ज्वाइन करें। उसके लिए आपको PBR स्टडी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, फिर आपको सारी क्लास इकट्ठा मिलेगी। आप इस प्रीमियम क्लास को वैसे भी पा सकते हैं बिना ज्वाइन किए भी यूट्यूब पे, उसके लिए आप क्लास को खूब शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अधिक छात्र जुड़ेंगे तो हम आपको ये सारी क्लास जो प्रीमियम वाली यूट्यूब पे उपलब्ध कराएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद।